शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या कथन किससे संबंधित है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या कथन जॉन डीवी से संबंधित है। अगला है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यह शिक्षण की जो परिभाषा है किसने दिया था? ऑप्शन एक में है गेज, बी रियांश, सी स्मिथ एंड ऑप्शन डी रायबर्न। तो शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरों व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यह परिभाषा गेज ने दिया था। नेक्स्ट है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है श्री अरविंदो। तो शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षण की अंतःक्रिया। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए है कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, ऑप्शन बी है छात्रों का निदान, ऑप्शन सी है क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो शिक्षा की अंतः प्रक्रिया अवस्था संबंधित है से संबंधित, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, छात्रों का निदान, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। ये तीनों का तीनों शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षण की प्रकृति कैसी है? शिक्षण की प्रकृति कैसी है? ए में है उद्देश्यपूर्ण, बी में है उपचारात्मक, सी में है विकासात्मक और डी में है सभी। तो शिक्षण की प्रकृति उद्देश्यपूर्ण भी होता है, उपचारात्मक भी है और विकासात्मक भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गैगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या कितनी है? गैगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या कितनी है? ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 8। तो गैगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या ऑप्शन बी 5 होगी। नेक्स्ट चलते हैं, पुनर्बलन अंतर्दृष्टि संबंधित है। पुनर्बलन अंतर्दृष्टि किससे संबंधित है? ए में है बोध स्तर से, बी में है स्मृति स्तर से, सी में है चिंतन स्तर से और डी में है ये सभी। तो पुनर्बलन अंतर्दृष्टि संबंधित होता है बोध स्तर से। नेक्स्ट चलते हैं, बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने विकसित किया? बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने विकसित किया? ए में मॉरिसन, बी में हर्बर्ट और सी में मैकेंजी और डी में हंट ने। तो बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान विकसित किया मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान विकसित किया था। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? ए में है सामाजिक रूपांतरण का, बी में है व्यक्तिगत रूपांतरण का, सी में है सांस्कृतिक रूपांतरण का और डी में है उपरोक्त सभी।
तो शिक्षा जो है निम्नलिखित में से सांस्कृतिक रूपांतरण का शक्तिशाली उदाहरण है। अगला है अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? ए में है अंतर्वैयक्तिक संबंध, बी में है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, सी में है भाषिक दक्षता और डी में है छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। तो अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण होगा भाषिक दक्षता।